दोस्तों इस वॉल पे अपन आज कलर वॉश टेक्सचर्स करने वाले हैं, एशियन पेंट्स का रॉयल प्ले कलर वॉश। कलर वॉश टेक्सचर्स करने के लिए जनरली अपने को बेस कोट लगाना पड़ता है, तो आप ये देख सकते हैं ये वॉल पे बेस कोट लगा हुआ है। ये रॉयल से अपने बेस कोट लगाया है, इसका नंबर भी मैं आपको पूरा बता दूंगा दोस्तों। बेस कोट लगाने के बाद में जब अपन इसका टॉप कोट डालते हैं, इसके लिए अपने को हल्का सा इस पर पानी से इसको गीला करना पड़ता है प्रोडक्ट को, जो अपना वॉल है उसको। इससे क्या है, इसका जो फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छा निकल के आता है, और जो भी इसके ऊपर जो धूल मिट्टी है, डस्ट है, वो पूरी खत्म हो जाती है दोस्तों। जेंटल हाथों से अपने को इस पर थोड़ा सा पानी से, फॉर्म के अंदर अपन ने पानी भरा है, आप देख सकते हैं ये फॉर्म है, हल्का हल्का इसको पूरा भरा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं वॉल पे जो इस मटेरियल को लगाया जाता है वो फॉर्म की हेल्प से, सहायता से इसको लगाया जाता है। पूरी वॉल पे ऐसे धीरे धीरे अपन फैलाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जेंटल तरीके से जो इस फॉर्म को इस मटेरियल के अंदर डिप किया जाता है और फिर पूरी वॉल पे इसको लगाया जाता है, जैसा आप देख रहे हैं मटेरियल इस पर लग रहा है वॉल पे। मटेरियल वॉल पे लगने के बाद में जो इसको फिनिशिंग लुक है वो जनरली थोड़ा सा कलर वॉश पैटर्न्स में हल्का हल्का सा मटेरियल वॉल से साफ किया जाता है, जेंटल हाथों से थोड़ा सा पैटर्न बनाया जाता है, छोटे छोटा सा पैटर्न, क्लाउडी सा हल्का सा इफेक्ट आता है वॉल के ऊपर। पूरी वॉल पे होने के बाद में भी इसका पूरा मैं आपको लुक दिखाऊंगा जो क्लाउडी इफेक्ट है। तो दोस्तों आप खुद देख सकते हैं वहां लेफ्ट टॉप कॉर्नर के अंदर फिनिशिंग प्रॉपर हो चुकी है। इधर से अपना मटेरियल अपन ने लगाना राइट में चालू किया है, ऊपर से लेके आप थोड़ा सा देखिए, आप नीचे यहाँ पे मटेरियल लगाना बाकी है, वहाँ से धीरे धीरे बंदा फिनिशिंग लेते हुए आ रहा है। तो आप देख सकते हैं हल्का सा वॉल के ऊपर क्लाउडी सा इफेक्ट आ रहा है, तो यही स्ट्रक्चर का फाइनल लुक होता है, फाइनल फील होता है, बहुत ही सुंदर होता है अगर आप अपने बच्चों के रूम में स्ट्रक्चर को कराते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अपन देख सकते हैं टेक्सचर ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे, फाइनल मटेरियल की कोटिंग चढ़ रही है कॉर्नर में, यहाँ पर मटेरियल को चढ़ाया जा रहा है, अप्लाई किया जा रहा है, फिर इसके ऊपर साथ साथ में जो पीछे बंदा है मिस्टर रघु, ये इसको फाइनल करते हुए आ रहा है। आप देख सकते हैं ये पूरा इसका फाइनल लुक आ गया है, टेक्सचर होने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है।
क्लाउड से इफेक्ट आता है पूरी वॉल के ऊपर। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का ये जो वीडियो है, आज का ये जो टेक्सचर से जो हमने आपको दिखाया है कलर वॉश, वो आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और ये आपके लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप के बच्चे के लिए, रूम के लिए आप ये टेक्सचर्स कराना चाहते हैं, ये सीलिंग पे भी हो सकता है टेक्सचर्स अगर आप चाहें तो। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो बहुत अच्छा है तो सभी लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।